गाइस, आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद नवल पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए और देखिए कितने क्वेश्चन आप सही दे पा रहे हैं और जो आपसे गलत हो रहे हैं उनको आप नोट डाउन करके रिवाइज करते रहिए। तो चलिए आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिसेंटली किन चीफ जस्टिस को नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए एस मनी कुमार, या फिर ऑप्शन बी अजय लंबा, या फिर ऑप्शन बी अरूप कुमार गोस्वामी, या फिर ऑप्शन डी रविशंकर झा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी रविशंकर झा। और चीफ जस्टिस को देख लेते हैं तो एस मनी कुमार हैं, उनको केरल के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। अजय लंबा जी को गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है और अरूप कुमार गोस्वामी को सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च YSR वाहना मित्रा स्कीम रिसेंटली। किस स्टेट ने YSR वाहना मित्रा स्कीम रिसेंटली लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, या फिर ऑप्शन बी उड़ीसा, या फिर ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस स्कीम के अंदर क्या होगा? इस स्कीम के अंदर 10,000 का अलाउंस दिया जाएगा आंध्र प्रदेश के सेल्फ एम्प्लॉयड ड्राइवर्स को, ताकि वह अपने इंश्योरेंस प्रीमियम को, लाइसेंस फ़ी को और अदर रिकरिंग एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। इस स्कीम को किसने लॉन्च किया? तो इसको आंध्र प्रदेश के CM YS जगन मोहन रेड्डी ने स्कीम को लॉन्च किया और इस स्कीम के तहत जो अलाउंस दिया जाएगा वो बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन प्लेयर हु प्लेड 100 T20 इंटरनेशनल। वो कौन सी भारतीय क्रिकेटर है जो पहली इंडियन प्लेयर बनी है जिसने 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेला है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, या फिर ऑप्शन बी विराट कोहली, या फिर ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर, या फिर ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को ये किताब कब मिला? तो ये उनको किताब सूरत में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ छठा तथा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में उन्होंने ये किताब हासिल किया। हरमनप्रीत कौर जो हैं वो महिला और पुरुष दोनों वर्गों में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय है। दूसरे नंबर पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा, जिन्होंने समान 98 T20 मैच खेले हैं, और हमारे भारतीय कप्तान विराट कोहली ने अब तक 72 T20 मैच खेले हैं। हरमनप्रीत कौर के इस खास मौके पर उन्हें 100 नंबर के कैप दी गई है और ये कैप उनके टीम के कोच WV रमन ने दी है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हरमनप्रीत कौर का जो जन्म हुआ है वो आपका 8 मार्च 1989 को पंजाब के मोगा में हुआ है। ये दाहिने हाथ की बल्लेबाजी तथा दाहिने हाथ से मध्यम तेज गति से गेंदबाजी करती है और हरमनप्रीत कौर को साल 2017 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो वर्ल्ड टीचर्स डे हम किस दिन मनाते हैं? 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, या फिर 6 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी 5 अक्टूबर को मनाते हैं। इस साल के वर्ल्ड टीचर्स डे का थीम क्या था? तो इस साल का थीम था यंग टीचर्स द फ्यूचर ऑफ द प्रोफेशन। ये थीम इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ इंस्टीट्यूटेड वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019। किस यूनियन मिनिस्ट्री ने वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019 को इंस्टीट्यूट किया है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या फिर ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसका सही आंसर है। क्लियर है? ये इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट है, हु इज़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, किसको मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, या फिर ऑप्शन बी कपिल देव, या फिर ऑप्शन सी विजय पाटिल, या फिर ऑप्शन डी सौरभ गांगुली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी विजय पाटिल। ठीक है, साथ ही साथ जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी के रूप में इलेक्ट हुए हैं उनका नाम है संजय नायक, और जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं उनका नाम है अमोल कोले। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट ओपन्स इन विच सिटी, भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट किस शहर में है? ऑप्शन ए दिल्ली, या फिर ऑप्शन बी कोलकाता, या फिर ऑप्शन सी मुंबई, या फिर ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वो मुंबई में है। ठीक है, जो NBA है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, वो इंडिया में ब्रॉड लेके आ रहा है फर्स्ट एवर फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट, और वो कहाँ पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑन द अरेबियन सी। ठीक है, अगर सी पूछेगा तो किस सी पर आ रहा है? अरेबियन सी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और शहर पूछेगा तो मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश CM जयराम ठाकुर लॉन्च डैश रथ ऑफ द HDFC बैंक। ऑप्शन है, ऑप्शन ए गरीब रथ, या फिर ऑप्शन बी प्रगति रथ, या फिर ऑप्शन सी इनोवेटिव रथ, या फिर ऑप्शन डी डिजिटल रथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी प्रगति रथ। क्लियर है, अभी प्रगति रथ क्या करेगा? तो प्रगति रथ प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी को। अपने एक मंथ के लॉन्ग इनिशिएटिव में ये हिमाचल प्रदेश के वेरियस जगह पे जाएंगे और वहाँ पर जाकर फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस? ऑप्शन ए TC बरुपल, या फिर ऑप्शन बी अनीश रंजन, या फिर ऑप्शन सी जयदीप मजुमदार, या फिर ऑप्शन डी अमृत लुंगुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अमृत लुंगुन को नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस नियुक्त किया गया है। अब ग्रीस का कैपिटल क्या है? तो ग्रीस का कैपिटल है एथेंस और ग्रीस की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन विच प्लाई बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन जो दिल्ली और लखनऊ के बीच चलती है। ऑप्शन ए संवाद एक्सप्रेस, या फिर ऑप्शन बी गरीब रथ, या फिर ऑप्शन सी तेजस एक्सप्रेस, या फिर ऑप्शन डी राजधानी एक्सप्रेस। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी तेजस एक्सप्रेस। गाइस, मैंने तेजस एक्सप्रेस के ऊपर भी एक वीडियो को अपलोड करूँगा, आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर, जैसे गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है? तो वो हैं आपके भंडारू दत्तात्रेया, ये गवर्नर हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के। फिर गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है? तो वहाँ के गवर्नर हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन, ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। साथ ही साथ जो गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव है 2019 का, उसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो इसको इनॉग्रेट किया है अजीत कुमार डोवाल ने, ठीक है, जो हमारे NSA के चीफ हैं। नेक्स्ट है, जो ये आपका गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव हुआ था 2019 का, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी कॉमन मैरिटाइम प्रायोरिटीज़ इन IOR एंड नीड फॉर रीजनल मैरिटाइम स्ट्रेटजी। थीम हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में आ ही जाता है। नेक्स्ट है, जो हमारा आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कितना नंबर हाईकोर्ट है हमारे कंट्री में? तो 25th हाईकोर्ट है, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट इज़ द 25th हाईकोर्ट इन द कंट्री। ठीक है, साथ ही साथ सुशील चंद्र जी को अपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए MD और CEO कौन है? तो वो हैं सुशील चंद्र जी। ठीक है, साथ ही साथ जो टूरिज़्म मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया है एक किस ऐप को जो 12 साइट्स ऑफ इंडिया को दिखाएगा ऑन पर्यटन पर्व 2019। मैं फिर पढ़ता हूँ, टूरिज़्म मिनिस्ट्री लॉन्चेस विच ऐप फॉर 12 साइट्स ऑफ इंडिया ऑन पर्यटन पर्व 2019। तो उस ऐप का नाम है ऑडियो
ओडिगोस उस ऐप का नाम है। तो गाइस आज की हमारी ये जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स की यहीं पर ख़त्म होती है। आप बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और आप देखिए आप पे कितने क्वेश्चन सही हुए, जो क्वेश्चन सही नहीं हुए उनकी आप रिवाइज़ करिए और एक जगह पे उनको नोट करके प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, तेजस वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तब तक के लिए गाइस मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।